हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल लर्निंग। मैं हूं अरविंद चौधरी और आप देख रहे हैं नंपाई सीरीज ट्यूटोरियल। और आज हम बात करने वाले हैं नंपाई के कुछ और एरिथमेटिक ऑपरेशन के बारे में। पिछले सेशन में हमने कुछ एरिथमेटिक ऑपरेशन के बारे में देखा था, जैसे हम कैसे किसी अरे को क्रिएट करते हैं, उसकी वैल्यू कैसे गेट करते हैं, देन डायमेंशनल कैसे गेट करते हैं, साइज कैसे करते हैं, डेटा टाइप उसका कैसे करते हैं और उसका डेटा टाइप कैसे चेंज करते हैं। आज हम कुछ और लीनियर ऑपरेशन के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं अपने नंपाई, इंपोर्ट नंपाई और यहाँ पर एज ए एन पी, और यहाँ पर हम क्या करते हैं क्रिएट करते हैं अरे, टू डायमेंशनल अरे। तो यहाँ पर हम एक टू डायमेंशनल अरे क्रिएट करेंगे। वन कॉमा टू, देन यहाँ पर थ्री कॉमा फोर, देन फाइव कॉमा सिक्स। अब हम क्या करते हैं इसको प्रिंट करके एग्जीक्यूट करते हैं। तो यह आप देख सकते हैं हमारा प्रिंट हो चुका है। अब आप सपोज मुझे इसका शेप जानना है, मीन्स इसका डायमेंशनल शेप क्या है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर शेप ए डॉट शेप, ये आप देख सकते हैं हमारा 4x0 का शेप। ओके, यहाँ पर हमारा क्या है, अब यहाँ पर ये क्या है 4x0 का एक शेप का है हमारा एक इंटीजर अरे है। देन यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम एक जीरो नंबर वाला एक क्रिएट करेंगे टू डायमेंशनल अरे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जीरोस जीरोस और यहाँ पर हम करेंगे 3,4। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये आप देख सकते हैं 3,4 मीन्स 3 रो एंड 4 कॉलम का एक जीरो। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, वंस के लिए भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वन वंस और यहाँ पर भी हम लेंगे 3,4। देन इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप ये देख सकते हैं हमारा वंस का क्रिएट हो चुका है। अब सपोज हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक रेंज, सपोज मैं एक मैं एक अरे लेता हूँ एल और उसकी रेंज यहाँ पर हम लेते हैं रेंज 5। तो क्या होगा हमारा 5 रेंज का, 0 to 5 रेंज का एक रेंज। सॉरी यहाँ पर np.arrange अब हम क्या कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ रेंज एल डॉट रेंज और यहाँ पर हम किसको प्रिंट करवाते हैं, सॉरी हमने प्रिंट नहीं करवाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा 0 to 5 रेंज का। सिमिलरली अगर हम इसको इसमें करें तो यहाँ पर हम लिखेंगे np.arrange और यहाँ पर हम देंगे 1,5 और इसको रन करवाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 1,1 से लेके 4 तक का हमारा क्या वन डायमेंशनल अरे प्रिंट हो चुका। अब सपोज मुझे मैं क्या करता हूँ यहाँ पर np. मुझे 1 to 10, तो यहाँ मैं इनिशियल वैल्यू हमारी 1 देन फाइनल 10 और मुझे इसके 2 से इसको क्या करना इंक्रीमेंट करना। तो np.arrange ये आप देख सकते हैं 1, 3, 5, 7 मीन्स 2, 2 के गेप से क्या हुआ हमारा प्रिंट हुआ है। अब अगर मुझे क्या करना है इसमें लाइन स्पेसिंग करनी है, लाइन स्पेसिंग मीन्स मुझे स्प्लिट करना है। सपोज मैं यहाँ पर करता हूँ np. और यहाँ पर हम करते हैं लिन स्पेस और यहाँ पर मैं करता हूँ 1, इनिशियली मेरी वैल्यू 1 है
देन फाइनल 5, और मैं इसको स्प्लिट करना चाहता हूँ 10 से। और अगर हम इसको रन करते हैं तो ये आप देख सकते हैं मेरा लीनियरली स्प्लिट हुआ है ये। अब सपोज मैं इसको अगर करता हूँ 5 टाइम, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कर देता हूँ उसको 5। ये आप देख सकते हैं हमारा 5 टाइम। मैं अगर इसे 15 करूँगा तो ये मेरा क्या 15 डिवाइडेड हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। तो ये हमारे कुछ, और अगर मैं इसको करूँगा np.shape, तो ये हमें क्या करेगा, इसका शेप देगा यहाँ पर हम इसको करेंगे a.shape। ये हमें क्या करेगा, इसका शेप प्रिंट करके देगा। तो ये था हमारा कुछ अरिथमेटिक फंक्शन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।